मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. फाइनली मुझे एक ऐसा रोल मिला था जिसमें यू नो आई गेट टू प्ले माई ओन एज एंड दैट्स अ ग्रेट डील फॉर मी. ऑल्सो ऐसा कोई कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया है. बाई प्रोफेशन शी इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट. जिस तरह का लुक है गौरी का इस फिल्म में, जिस तरह की द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज, शी इज़ अ लाइव वायर. अनुष्का ईशान की लिव इन गर्लफ्रेंड है और कुछ दो तीन साल से उनका रिलेशनशिप चल रहा है और एक प्रोफेशनल है, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है. सो सारे बिल्स वो पे करती है घर में और अब वो चाहती है कि यू नो उसका जो रिलेशनशिप है थोड़ा आगे जाए. शी वांट्स टू मीट द मदर. पुणे जाते हैं. सो शी ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दैट विद विद ईशान. मेरे लिए आई थिंक हमेशा ही मेरा ये कन्विशन था कि मुझे एक्टर बनना. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये पॉसिबल कैसे होगा और कभी इट नेवर अकर्ड टू मी कि मुझे एक्टिंग मतलब एक्चुअली करना क्या है. You know, whether it's films, TV, theatre, yeah, modeling, yeah, what. But I just always thought that I want to be in the limelight. मैं अपने 11th या 12th grade में पढ़ाई कर रही थी पुणे में and उस वक्त मुझे किसी ने audition के बारे में बताया. तो ये है and that is John's head basically is here. So वो print out है of what's in his head actually. जैसे मार्केट फील्ड में जॉनी जॉनी है, आप लोग इन्हें best करें. जॉनी best है. लेकिन ये मतलब world की बात है. बहुत सा कमाल है. जो आंसर सबका रहेगा वो यही होगा कि मिस्टर बच्चन हमारे फेवरेट हैं. फॉर मी मिस्टर अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड. कपिल की ये फर्स्ट फिल्म है. हमारे जो डायरेक्टर है कपिल शर्मा, उन्होंने पहली बार ये फिल्म डायरेक्ट की है. इट्स डेब्यू. कपिल पहले से ही बहुत क्लियर थे कि उन्हें ये फिल्म किस तरह से बनानी है. आई थिंक स्टार्ट टू एंड वो पूरे प्रोसेस में ही जस्ट इन लूज द पाथ एनीवेयर. कभी ऐसा होता था कि यू नो मुझे लगता था कि यू नो दिस इज इट्स गोइंग ग्रेट बट व्हाट इफ आई डू दिस, व्हाई डोंट आई टेक इट लाइक दैट, व्हाट इफ अगर ये कैरेक्टर ऐसा करे. बट ही जस्ट न्यू कि उन्हें हर एक कैरेक्टर का ग्राफ कैसा चाहिए, हर एक के बीच में इक्वेशन कैसा होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम गिविंग अस यू नो ऑल द लिबर्टी टू प्ले द रोल द वे यू नो वी थिंक दैट इट्स राइट. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग. आई थिंक एंड यू नो टू अ पॉइंट दैट वो अगर एक लाइन भी होती है डायलॉग के अंदर, विद इन दैट लाइन ही विल टेल अस व्हाट द ग्राफ इज. ही वाज सो थरो कि उनको एक लाइन के अंदर भी पता था कि इमोशनली इस शब्द पे ये है ये है. ही वाज सो एग्जैक्ट. नॉट ओनली दैट मतलब इवन ऑन द सेट्स, मतलब जो प्रॉपर्टी है कि वो कर्टन का कलर क्या होना चाहिए, पीछे जो सामने कुशन है उसका कलर क्या होना चाहिए, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व. ही वाज सो एक्साइटेड एंड दैट वाज वेरी कंटेजियस आई थिंक फॉर ऑल द एक्टर्स ऑन द सेट.